इतनी गर्मी में मुझे राइडिंग जैकेट पे देख रहे हो ना, अजीब लग रहा है ना, पूरे पसीने से भीगा हुआ हूँ। तो मुझे याद आ रही है प्रशंसा की बहुत ज़्यादा, और कल इसने बहुत प्यारी प्यारी सी फ़ोटो डाल दी अपनी, और मुझे याद कुछ ज़्यादा ही आने लगी। तो मैं जा रहा हूँ प्रशंसा से मिलना, ज़्यादा दूर नहीं है, 850 किलोमीटर है बस। मैं बाइक से जा रहा हूँ, अभी शाम का 4:30 हो रहा है, तो कल देखते हैं कब पहुँचता हूँ, आराम से जाऊंगा। रात में इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि दिन की गर्मी झेल नहीं जाएगी, बहुत गर्मी है। तो सारे बच्चा पार्टी को बाय, निकल पड़े हैं हम दिल्ली के लिए। प्रशंसा को अभी तक पता भी नहीं है, एंड आई होप कि पता ना चले, वो मेरे कॉल से या फिर कैसे भी वीडियो कॉल तो ना ही करे तो ही बेहतर है। वैसे मैं अवॉइड करूँगा, और दीदी को भी नहीं पता है। इट्स गोइंग टू बी क्रेजी ट्रैफिक, शाम का ट्रैफिक। ओके, अभी तक जो मैंने बाइक चलाई है, मुझे कहीं ना कहीं जाना होता था। लाइक मुस्तांग गया हूँ मैं, साउथ इंडिया गया मैं, मतलब मेरे पास एक ट्रैवल का प्लान होता था, मैं ट्रैवलिंग की वजह से जाता था। अभी मुझे सिर्फ प्रशंसा से मिलने जाना है, मुझे उसे देखना है, और हम दोनों मिलके आपको एक गुड न्यूज़ भी देंगे वहाँ पे। तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन मैं रिकॉर्ड करूँगा, और आप देखेंगे यार, तुम्हारे लिए जितना अभी तुम वीडियो देख रहे हो ना, अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए नॉर्मली देखा, तो आपके अंदर जो चीज़ होगी ना कि उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वो कैसे बिहेव करेगी अचानक से, उसको कैसा लगेगा, तो मेरे अंदर भी अभी सेम ही चल रहा है। तो आप भी अननोन हो, मैं भी अननोन हूँ, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखना। अपने इस राइड में हम 850 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट करेंगे, और टाइमिंग का तो मुझे नहीं पता, लगभग 12 घंटे तो लगेंगे आई थिंक। और अभी लखनऊ के बाद से मुझे आगरा एक्सप्रेसवे मिल जाएगा, तो मेरी बाइक पहली बार आगरा एक्सप्रेसवे पे भी जाएगी। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे बाइक राइड करूँगा, इतने लंबे राइड्स मारूँगा। इससे बहुत ज़्यादा लंबे राइड मारे हैं मैंने, पूरा साउथ गया हूँ मैं, लेकिन दिल्ली मैं बाइक से जाऊँगा, क्योंकि दिल्ली का नाम तो मैंने बचपन से सुना है, मुन्नार मैंने कभी नहीं सुना था। मुन्नार में साउथ में सबसे नीचे गया था, बट मैं दिल्ली का, मुझे कभी आइडिया नहीं था कि मैं ये करूँगा। सो देखो, लाइफ में ना यार कभी कोई चीज़ फिक्स नहीं है, आप जो चाहते हो, जो सोचते हो, ज़रूरी नहीं है वही होगा। हो सकता है चीज़ें उससे बेहतर हो जाए, या फिर चीज़ें उससे बुरी भी हो सकती हैं। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग, एंड जो है जैसा है उसे इंजॉय करो, इंजॉयमेंट ज़रूरी है ना भाई। ये जो सामने गाड़ी जा रही है ना, फोर व्हीलर, ये मेरे मामा के लड़के की गाड़ी है, तो मैंने उसको बोला था अभी थोड़ी देर में ओवरटेक करूंगा मैं, एंड आई गॉट हिम। अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब मेरी बाइक अर्बन मोड में थी, तो बाइक को मैंने 130 के ऊपर जब मैं ले गया हूँ, तो बाइक मतलब एक्सेलरेशन उसका ना आरपीएम फील हो रहा था, गन 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 गन। जैसे ही मैंने उसे स्पोर्ट्स मोड में डाला भाई, मक्खन हो गई गाड़ी, गाड़ी को पता ही नहीं चल रहा है फिर स्पीड। मुझे काम करना है यार, बाइक को ना मोबाइल से कनेक्ट कर देते हैं। फ़ोन कॉल्स वगैरह दिख जाते हैं, नाम दिख जाता है। तो भाई साहब, हमारे फर्स्ट 50 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं, एज यू कैन सी। यस, तो फर्स्ट 50 किलोमीटर कंप्लीट, बाइक सही है, मैं सही हूँ, बैग वैग सब बेटर है। अब तो भाई लंबी राइड होगी,
सनसेट बड़ा प्यारा लग रहा है ना। कभी कभी ड्रोन की कमी महसूस होती है यार, जी करता है ड्रोन ले लूं, लेकिन फिर लगता है कि यार YouTube पे अगर सब चीज़ें मैं अपने जेब से ही कर दूंगा तो फिर YouTube पे इतना वीडियो बनाने का मतलब क्या बनता है। GoPro मैंने अपने पैसे से लिया, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भाई, थोड़ा आप लोग सपोर्ट वपोर्ट करो यार ज़्यादा नहीं, बस एक लाइक और सब्सक्राइब, कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता आपको, सब्सक्राइब करो। एंड आई गेस मैं बहुत बेहतर कर सकता हूँ, आप लोग सपोर्ट बनाए रहो। उधर है सूर्य देव अपने गोल्डन अवतार में और हम अपना 100 किलोमीटर कंप्लीट करने वाले हैं 98.1। भाई साहब रुकने का तो मन ही नहीं है, मैं नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहा हूँ, 115 किलोमीटर हो चुका है, 100 पे सोचा था रुकूंगा, 115 हो गया। बाइक का यही सही है, हमें टोल नहीं देना होता फिलहाल के लिए, क्योंकि टोल तो देना है भाई। फाइनली आफ्टर 128 किलोमीटर्स मैं रुका तो हूँ बट सनसेट के लिए। बस्ती सिटी अंदर है एंड वो बॉय वहाँ पे हाई कर रहा है। सनसेट देखने के लिए रुका हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है ना पीछे। 130 किलोमीटर नॉन स्टॉप रैप्टर RR 310 पे भाई साहब मजा आ गया। अभी मेरे दिमाग में वाला गाना चल रहा है वो नहीं है, जाने वो कैसी होगी रे, जाने वो कैसी होगी रे, वो वाला। फिर पानी पियेंगे, नहीं नहीं जल्दी से यहाँ पानी भराते हैं फिर पेट्रोल पियेंगे। फाइनली सूर्यास्त के पहले हम रुके गए कहीं पे, बाइकर कोई रुकता है ना तो जो छोटी मोटी जगह होती है वहाँ पे लोग ऐसे क्यूट सा लुक देते हैं, बस ये बंदा दे रहा है। तो फाइनली बस्ती के आगे मैं रुक के रिफ्रेश हुआ हूँ और आवाज़ भी बेहतर हो गई है, पानी पी लिया मैंने, गला एकदम सूख गया था। अभी भी दिन ढला नहीं है, 7 बज गया है और जो डिस्टेंस हमने अभी तक कवर कर लिया है वो है 138 किलोमीटर्स। देयर इज ट्रैफिक ऑन हाईवे, रेयर बट ट्रू। ओ भाई दूल्हे को लेट कर आ रहे हो, ये गलत बात है भाई, दूल्हा लेट नहीं होना चाहिए। लग रहा है बस खराब हो गई है वो वाली। ओ भाई इतना छोटा ना ये, बड़ा लंबा जाम है यार। अब इनको देखो ये घुसाएंगे कहाँ, मुझे ये क्वेश्चन है मेरा। कुछ चीज़ें भाई बाइक वालों के लिए ही होती हैं तो उनके लिए छोड़ देनी चाहिए, जैसे कॉर्नर की ये जगह। भाई साहब बाइक थी ना तो इतना जल्दी निकल ली है, जो पीछे कार वाले फंसे थे ना उनको 1 घंटे से कम नहीं लगना। लाइट कम है ना यार मेरे बाइक की, ये मुझे भी महसूस होता है। वाइजर मेरे वाइजर पे इतना स्क्रैच आ चुका है ना यार, मैं वाइजर भी नीचे नहीं कर पा रहा हूँ, वाइजर नीचे कर रहा हूँ तो ब्लर ब्लर सा हो जा रहा है, इतने स्क्रैच आ गए पता नहीं कहाँ से आ गए यार।
हाँ जी भाई, तो जाम में फंसे हुए हम, और ये अयोध्या है रास्ता है, देख रहे हो कितना इतना पतला है ना, मेरे गाड़ी का ना रियर व्यू मिरर लग जाएगा, नहीं निकल सकता मैं। हाँ ऑल स्टक, गर्मी हो रही है भाई, और कोई रीज़न नहीं है परेशान होने का। लिव यंग लिव फ्री, आई एम लिविंग यंग बट नॉट फ्री। अगर कोई ये कहता है कि आरा 310 के अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं है, तो भाई क्रूज कंट्रोल है। मैं अभी क्रूज कर रहा हूँ 41 की स्पीड पे, एंड मेरे हाथ यहाँ हैं, तो अर्बन मोड पे आप 41 की स्पीड तक ना ऐसे चल सकते हो। मतलब मुझे अभी अपने मोबाइल से कुछ काम करना था, तो इस स्पीड में मैंने कर लिया। अब मैं इसको दोबारा स्पोर्ट्स में डाल के निकलते हैं। तो 250 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और रैप्टर पूरे फॉर्म में है भाई साहब। देखो अभी हमें 105 पे, अब इसके ऊपर पिकअप लेना जो होता है ना, वो थोड़ा सा डिले होता है, बट रैप्टर को देखो। तो बाइक अभी क्या है कि अपने परफॉर्मेंस पे है, बाइक का इंजन गर्म है, वो अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे रही है इस समय। सोचो 100 से 150 जाने में मैक्सिमम 10 सेकंड लगा है। लखनऊ इज अप्रॉक्सीमेटली 57 किलोमीटर फ्रॉम हियर, 270 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, सिंगल स्टॉप लिया है मैंने अभी तक। आँख नाक मुंह हर जगह से पानी आ रहा है भाई, वाइज़र इतना बेकार है मेरा, मैं वाइज़र नीचे कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं वाइज़र ओपन करके ही गाड़ी चला रहा हूँ, पूरा धूल मिट्टी सब आँख में ही जा रहा है फिलहाल। कहीं पर भी मुंह धुलते हैं। अब ऐसे मैंने वीडियो स्टार्ट इसलिए किया है, जस्ट लुक एट हियर, 299.8, 300 होने दो, 300 किलोमीटर 3 घंटे 47 मिनट में चलाई है मैंने, 3 घंटे 47 मिनट में 300 किलोमीटर, जिसमें कि लगभग 15-20 मिनट में ट्रैफिक में भी रहा हूँ। नॉट अ बैड स्पीड, खासतौर से जब मैं ऐसी हालत में हूँ। एक स्पोर्ट्स बाइक है मेरी, टूरिंग बाइक भी नहीं है, 312 सीसी की बाइक, वाइजर ओपन है, पूरा विंड का जो प्रेशर है ना गर्दन पे आ रहा है, फिलहाल मेरी गर्दन दर्द भी हो रही है। ओए हो, एक और यो भाई, लखनऊ में हमारा स्वागत हो रहा है, गोल्डन ब्लॉसम। तो शहर की रंगीनी, मतलब क्या कहते हैं उसको, शहर की रंगीलियाँ, हाँ अलग ही होती है। नहीं, गांव का अलग मजा है, शहर का अलग मजा है, लेकिन भाई घूम फिर के हमें गांव ही पसंद है। नॉइस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कोई बॉलीवुड न्यू बॉलीवुड रेस्टोरेंट है कोई बीबीडी के बगल में, वहीं पे हूँ मैं, बहुत थक गया हूँ यार, मेरी आंखों से पता चल रहा होगा, लाल लाल हुआ पड़ा हूँ मैं अभी। प्रशंसा का मैसेज आया था कि किसी बात से नाराज़ हो गया, क्योंकि मैंने बहुत देर से उसको मैसेज नहीं किया है, तो मैंने कहा नहीं बस बाहर हूँ, कैसे बताऊं कि नाराज तो नहीं, बहुत करीब आ रहा हूं। क्वांटिटी तो बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग तो नहीं है लेकिन अच्छा है, जिस हिसाब से मैं थका हूँ ना, मुझे कुछ भी अच्छा लगेगा।
ये भी नहीं बताया जो प्रशंसा रहती कहाँ भी, एक अजम्पशन के बेसिस पे, क्योंकि ग्रेटर नोएडा रहा हूँ मैं, एक अजम्पशन के बेसिस पे मैं पहुँच तो जाऊँगा उसके घर के पास, क्योंकि वीडियो कॉल पर मैंने देख रखा थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत अंदाजा है तो पहुँच जाएंगे अर्ली इन द मॉर्निंग, सरप्राइज देंगे गंदे गंदे ड्रेस में तुम गंदा हुआ पड़ा रहूँगा। मैं ग्रेटर नोएडा में बहुत दिन बाद जा रहा हूँ यार, मतलब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया ना ग्रेटर नोएडा से, बहुत स्पेशल मेमोरीज हैं वहाँ से, और प्रशंसा भी मुझे कॉलेज टाइम में ही मिली थी सेकेंड ईयर में, तो मेरे लिए ग्रेटर नोएडा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है, स्पेशल प्लेस है। मैं जब भी जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ 2-3 दिन रह के आऊँ ग्रेटर नोएडा में। रात के 11:03, वी आर इन लखनऊ। आराम कर लिया मैंने भैया, एवरीथिंग इज ऑल गुड। जोमैटो वाले भाई 11 बजे लोगों की भूख मिटाते हुए। बड़ी आसान कर दी है लाइफ जोमेटो वालों ने, मतलब जिनके पास थोड़े बहुत ठीक ठाक पैसे हैं तो आपको खाने की टेंशन लेनी नहीं है, अगर आपको बाहर के खाने से कोई दिक्कत नहीं होती है तो। हर दूसरे तीसरे दिन लोग खा ही रहे हैं। एक्सप्रेस वे पे मिलते हैं यार, यहाँ पे मैं क्या ही दिखाऊँ, ट्रैफिक एंड ऑल, नथिंग स्पेशल। रात के 11:11 हो रहे हैं, प्रशंसा हर बार जब भी अगर हम दोनों बात कर रहे होते हैं 11:11 होता है तो कहती है एक विश मांग लो, तो वो विश पूरी हो जाती है, तो मैंने मांग ली। और लखनऊ की गलियों को रात के 11:11 पर बारूद बनाते हुए रैप्टर द बारूद, होए 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 होए, ये लड़के बिना हेलमेट के ऐसे चलाते हैं ना भाई। ऐसी चीज आ जाए और मेरी गाड़ी का स्पीड धीरे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक्चुअली आई रियली वांटेड टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस बट SSB दिया नहीं हुआ, रिटर्न क्वालिफाई किया, 5 दिन का इंटरव्यू क्वालिफाई किया, लेकिन लास्ट राउंड में हमेशा ही रह गया मैं। हाँ, कुछ और प्लान होगा मेरे लिए, वैसे ही मैं लाइफ में मजे तो कर ही रहा हूँ। इंसान जिंदा दिल होना चाहिए भाई, आप किसी भी सिचुएशन में कभी भी बस खुश रहना सीखो, ज़रूरी नहीं है वो हर चीज़ जो आप चाहो आपको मिली जाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ज़िंदगी जीना छोड़ देंगे। ऐसे निकल जाएगी ज़िंदगी ऐसे, कल को जब आखिरी सांस गिन रहे होगे ना तो यही सोचोगे यार जिया क्या, कुछ भी तो नहीं जिया अभी तक। जितना जो भी आपकी उम्र है आप खुद सोच के देखो, जितना आपने वक्त गुजार दिया है, आपको लगता है कि आपने 20 साल 25 साल 15 साल निकाल दिए हैं? नहीं लगता है ना, वैसे ही लाइफ के लास्ट मोमेंट पर भी शायद नहीं लगेगा। हाँ, तो यमुना एक्सप्रेसवे के जस्ट बगल में ये पेट्रोल पंप है, अभी मैं चढ़ा नहीं हूँ एक्सप्रेसवे पे, बट अब चढ़ने जा रहे हैं, सो पेट्रोल भरवा लिया। 300 किलोमीटर का रेंज तो फिक्स है, आगे का देखेंगे, कहीं डला लेंगे पेट्रोल। अभी बज रहे हैं रात के 11:40 और मैं चढ़ने वाला हूँ एक्सप्रेस वे पे, और तरीका जो है वो काफ़ी फनी होता है।
मजा आ रहा भाई। So finally we are on Agra Expressway. Raptor भाई इंडिया के बेस्ट रास्तों में से एक पे हैं हम। बैड न्यूज़। मैं अर्ली इन द मॉर्निंग तो प्रशंसा को हेलो नहीं बोल पाऊंगा। रीजन, आगरा एक्सप्रेसवे ड्यू टू सम इंसिडेंट्स इन लोगों ने शाम के 6 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक बाइकर्स को एंट्री देना बंद कर दिया। तो इन्होंने मुझसे बोला है कि अब सुबह 6 बजे आपको एंट्री मिलेगी। तो मैंने थोड़ा बात बात किया, मैंने कहा 4 बजे करा देना आप, 3:30-4 बजे। तो इन्होंने बोला ठीक है मॉर्निंग में 3:30-4 बजे। तो मेरे ख्याल से अभी 12:30 हो रहा है, 3-3.5 या 4 घंटे मुझे यहीं पर रेस्ट करना पड़ेगा। करते हैं यहीं पर कुछ, बैठते हैं, लेटते हैं, बस मच्छर ना काटें, बाकी तो हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। जाना अलाउड है नहीं, इतनी गंदी गर्मी है भाई, इतना ओपन एरिया है ये, मतलब इतना ओपन एरिया है कि हवा चलेगी तो भाई आएगी ही आएगी, बिल्कुल हवा नहीं है। देखो रुका हुआ हूँ तब भी इतनी गर्मी है, पूरा टी शर्ट गीला है मेरा। अभी ये वाली बाइक पे बैठा था मैं, इन पे तो बैठ नहीं सकता मैं आराम से, पालती मार के इसी पे बैठा था। मच्छर काटने लगे यार, मुझे मच्छर बहुत काटते हैं, तब टहल लाऊं। फाइनली बिल्ली जैसी क्यूट सी शक्ल बना के शक्ल का कुछ तो फायदा हुआ भैया। मैंने इतना रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कि भैया जाने दीजिए, बहुत गर्मी हो रही है, मच्छर काट रहे हैं और भाई बहुत लंबा जाना है, मैं ज़्यादा लेट करूँगा तो धूप भी हो जाएगी, तो जाने दीजिए। तो उन्होंने मुझे 3:14 पे निकाल दिया है। नॉर्मल आदमी को बोलो 5 बजे निकालते हैं, 5 बजे के पहले किसी को नहीं छोड़ते। वहाँ पे एक और बाइक वाला था, उसको नहीं छोड़ा इन्होंने, मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं वेट भी ज़्यादा देर से कर रहा था। सुबह की थकान है, अभी ठंडी ठंडी सी हवा लग रही है, नींद आ रही है मुझे। पूरे फोकस के साथ इस समय गाड़ी चला रहा हूँ, पता नहीं कहाँ आंखों में नींद, देखो तेज नींद आ रही है। भोर भी हो गया है, लगभग कितना बज रहा है देख सके, 4 बजने वाला है। निकलते हैं यार, धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि सोना इज नॉट एन ऑप्शन। डिस्टेंस कवर करना है वो लगभग 200 किलोमीटर और है। एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग में जहाँ पे मुझे रोका गया था ना, वहाँ पे एक बंदा मुझसे कह रहा था कि आपको पूरे एक्सप्रेसवे पे कहीं पे वायर नहीं दिखेगा ऊपर से क्रॉस करता हुआ। मैंने कहा अच्छा, तो उसने कहा सब नीचे से है भाई, ये क्या है, ये भी तो ऊपर से है, आगे भी ऊपर से है, और होगा ही यार, इतना लंबा एक्सप्रेसवे है, इतने ज़्यादा जगहों को इलेक्ट्रिसिटी देनी है, अपना इंडिया इतने ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, हर जगह पर तो लोग रहते हैं, तो भाई वायर तो दिखेंगे आपको, हर जगह दिखेंगे वायर। 6:30 से 7 के बीच का टाइम हो रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, अभी सूरज निकला नहीं है तब ये हालत है, ये देखो अभी इसी रूप में। आरआर एकदम मस्त चल रही है, मज़ा आ गया आरआर को। मेरी आवाज़ अजीब सी हो गई है क्योंकि व्लॉगिंग करते समय थोड़ा तेज़ बोलना पड़ता है। इधर मोर की आवाज़ आ रही है,
आपका सही है यार, 200 किलोमीटर बचे निकाल लेंगे दो बार में। अजीब सा हो गया, मतलब बैठा नहीं जा रहा है आरआर पे यार, सीट की इसकी ना स्टिफ होती जा रही है अब धीरे धीरे, तो सीट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आज मुझे समझ में आया कि लखनऊ से आगरा तक जो आप हाईवे पे आते हो वो आगरा एक्सप्रेस वे है, और आगरा से दिल्ली जो आप जा रहे हो, दिल्ली का आप ग्रेटर नोएडा कह लो, वो यमुना एक्सप्रेस वे है एक्चुअली, ठीक है। तो यमुना एक्सप्रेस वे का मतलब यही है कि एक यमुना के शहर को दूसरे यमुना सिटी से जोड़ता है, आगरा को दिल्ली से जोड़ता है, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड यमुना एक्सप्रेस वे। और थोड़ा डिफरेंस ये दिखेगा यमुना एक्सप्रेस वे में, यमुना एक्सप्रेस वे जो है वो आपको सीमेंटेड दिखेगा, सीमेंटेड है, बगल में आपको घास वाली पट्टी दिखाई देगी ऐसी वाली, ये डिफरेंस मुझे दिखा दोनों रोड्स में। मैजिक फूड जोन आगरा, जैसे आप यमुना एक्सप्रेस वे पे आओगे ना मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर के अंदर में मिल जाएगा ये, रिफ़्रेश हो लो क्योंकि फिर उसके बाद से आप ग्रेटर नोएडा में या दिल्ली में ही रुकोगे आई गेस सो। मैं अब निकल रहा हूँ, अब मैं परी चौक ही रुकूँगा या फिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी रुक सकता हूँ, बट बाइक मुझे बाइक धुलवाना है यार, बाइक थोड़ा साफ सुथरा अच्छा लगता है। चलो मिलते हैं। लोग मथुरा में आ चुके हैं, जनपद मथुरा। ऑफिशियली वी आर इन ग्रेटर नोएडा, ये हाईवे खत्म हो रहा है अब, थैंक्स फॉर विजिटिंग। तो यमुना एक्सप्रेस वे खत्म और अब हमें ग्रेटर नोएडा में एंट्री करना है। I literally miss this place, man. ग्रेटर नोएडा का सबसे फेमस प्लेस तरी चौक, तरियाई परियां दिखाई देंगी आपको, और उस जगह से मेरा एक बार मोबाइल चोरी हो गया था, मेरे हाथ से छीन के ले गया था यार, मर्सी नाम की चीज ही नहीं होती है लोगों में। अभी मैं जा रहा हूँ जगत फार्म, मुझे प्रशंसा के लिए बुके लेना है। लाइफ कैसे बदलती है ना यार, कल तक इन्हीं गलियों में ऑटो से जाते थे, इन्हीं सड़कों पे ऑटो से जाते थे, जॉब नहीं थी, कॉलेज का प्रेशर, ऐसा लगता था कि पता नहीं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, फ्यूचर क्या होगा, एंड टुडे आई मीन ऑन माय ओन बाइक, एक अच्छी खासी बाइक पे हूँ मैं, सो थिंग्स कुड चेंज बेबी। तो किसी के लिए बहुत प्यारे से फ्लावर्स, और मैं चॉकलेट्स नहीं ले पाया, कोई दुकान अच्छी खुली नहीं थी अभी अर्ली इन द मॉर्निंग, तो चॉकलेट्स भी मुझे लेने थे यार। मैं और रैप्टर दोनों बहुत ही प्यार से चल रहे हैं, बिल्कुल भी रश नहीं। मैं पहली बार जिंदगी में किसी को बुके देने जा रहा हूँ, ये उसी पर्सन को होना था जो लाइफ टाइम मेरे साथ रहे हो। सो प्रशंसा हमेशा कहती है तुम मुझे बुके नहीं देते, तुम मुझे फ्लावर्स नहीं देते,
मैं जब तक श्योर नहीं था तब तक मैंने नहीं किया ना। आई एम डैम श्योर 100% श्योर कि तुम्हें ही मुझे झेलना है और मेरी गाड़ियों को, मेरे बाइक्स के शॉप को, तो तुम्हारे लिए तो है ही। मुझे पता चल गया ये सामने वाला घर है।